नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे तेजगढ़ इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जो बिलेट बन के तैयार होता है वो किस चीज़ से तैयार होता है और उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो इसके पहले मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें आपको क्लियर बताया हूँ कि केमिकल कंपोजिशन और रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। इसमें आप लोग को मैं दिखाऊंगा लाइव कि जो एसएमएस या फर्नेस में जो रॉ मटेरियल और केमिकल कंपोजिशन का यूज करके और बिलेट तैयार करते हैं, इसमें आपको पूरा मैं व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं फर्नेस में हूँ, एसएमएस में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे आपको स्लैग मिल जाएंगे, जो स्लैग बन के निकलते हैं एसएमएस से, उसको नीचे गिराया जाता है। ये पूरा डिफेक्टिव मटेरियल होता है, ये मतलब इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं अभी लेडल आ रहा है और ये लेडल को साइड में करेगा। तो यहाँ पे अभी फर्नेस में जो भी मेल्टिंग का प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी ये स्लैग बन के बाहर निकल रहा है और यहाँ पे ये व्यू देख सकते हैं पूरा आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको और अप करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक लेडल देख सकते हैं जा रहा है, भट्टी के बगल में लगा रहा है। जैसे भट्टी तैयार हो जाएगा, ठीक है, जैसे फर्नेस का मटेरियल तैयार हो जाएगा वैसे ही ये लेडल इसके सामने आएगा और भट्टी क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा लेडल में, ठीक है, जो भी मटेरियल बना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब भट्टी तैयार किया जाता है उसके पहले एक फार्मा डाला जाता है, फार्मा जो फीटर वगैरह बनाते हैं इसको, ठीक है। तो फीटर जब बना के तैयार कर देते हैं, वो ड्रम टाइप का रहता है, इसमें जैसे ही मतलब भट्टी के अंदर डाल के इसको वाइब्रेटर से क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है और लेडल में मतलब स्पेस ना रहे इसको वाइब्रेटर से क्या किया जाता है, माउंटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माउंट करने के बाद यहाँ पे कुछ इसमें स्क्रैप वगैरह डाले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही स्क्रैप रहते हैं, जैसे रोलिंग मिल में अगर आप काम करते हैं तो जितने मिस रोल होते हैं, फ्रंट कटिंग, टेल कटिंग, हेड कटिंग जो भी रहता है, और कहीं मिस रोल हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो स्क्रैप में आ जाता है, ठीक है। तो वो जो स्क्रैप है ये आपका जाएगा फर्नेस में, ठीक है, फर्नेस के भट्टी में जाएगा और भट्टी में जाने के बाद उसको क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा, ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर लेके जा रहा है और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आपका पिग आयरन है, इसी को बोलते हैं पिग आयरन। इसके पहले वाली वीडियो में पूरा बताया हूँ रॉ मटेरियल के बारे में और केमिकल कंपोजिशन के बारे में, मैं तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपको दिखाऊँगा कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रेन जो है मैग्नेट के थ्रू सारे जो भी स्क्रैप होते हैं उनको लेके और भट्टी में क्या करता है, गिरा देता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये छोड़ देगा, छोड़ने के बाद पूरा मटेरियल जो है फर्नेस के अंदर चला गया। अब वो क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद जैसे ही वो तैयार हो जाएगा मटेरियल, उसके बाद लेडल के थ्रू अपना सिस्टम में चला जाता है। तो अभी मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा फुल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं ये पूरा फर्नेस एसएमएस का व्यू देख सकते हैं नीचे में कैसे रहता है, ठीक है। ये बहुत डेंजर एरिया होता है, इसके आजू बाजू में रहना खतरे से खाली नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्रेन अभी क्या किया, स्क्रैप यानी कि स्पंज आयरन को उठा के अब लेके जाएगा और एसएमएस में यानी कि फर्नेस में ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो जो क्रेन ऑपरेटर होते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जो भी हीट स्मोक होता है वो सब ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऊपर जाता है तो ऊपर टॉप पे क्रेन चलाता है ऑपरेटर, उनको इसलिए ज़्यादा गर्मी लगता है, उनके लिए थोड़ा रिस्की होता है, बट वो चलाते हैं, ठीक है, उनके लिए वही सही है, ठीक है। तो क्रेन ऑपरेटर अपना काम देखिए कर ही रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पंज आयरन लेके जा रहा है और स्क्रैप वगैरह है उसमें क्या करेगा, वो पुल डाउन करेगा, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये साइड में ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से धीरे धीरे जो है क्रेन के मैग्नेट के थ्रू क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा फर्नेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड में स्लैग हैं, जो भी डिफेक्टिव मटेरियल हैं, इनको बोला जाता है डिफेक्टिव मटेरियल। तो ये किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट के थ्रू एक ब्लेड लेके आ रहा है क्रेन ऑपरेटर, और क्या कर रहा है, फर्नेस में पुश कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, उसको मिलाने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना डेंजर ये लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में रहना सही नहीं है, क्योंकि ये कभी भी स्प्लैश ऑफ फायर हो सकता है आपके ऊपर, तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप दूर से इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत दूर हूँ इससे, लगभग 10 फीट दूर हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी भी ये क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट करने का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जैसे जैसे मॉड्यूलेट कर रहा है, वैसे वैसे स्लैग बाहर निकल के आ रहा है। देख सकते हैं ऊपर में ये रेड कलर का पूरा स्लैग बाहर आ रहा है। बाहर आने के बाद इसको ये लोग क्या करते हैं, ये जो अपना मैग्नेट ऊपर में दिखाई दे रहा है, इससे ये लोग क्या करते हैं, साइड करते हैं। ठीक है, साइड करके नीचे जो मैं दिखाया था आपको, नीचे का पोजीशन स्टार्टिंग में नीचे का जो व्यू दिखाया था आपको, वो वहीं से गिरा देते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे वाटर से गीला करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेबर्स या वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हीट लगता है, जिससे काम करने में उनको दिक्कत होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये वाटर से मॉइस्टन कर रहे हैं, और मॉइस्टन करने के बाद इसको मैग्नेट से नीचे गिरा देंगे। तो यहाँ पे अभी इनका चालू ही है, देख सकते हैं अभी भी ये पानी को मॉइस्टन कर ही रहा है, और जो मैग्नेट क्रेन है वो अपना ब्लेड से क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर ही रहा है। तो यहाँ पे अभी करने के बाद इसको देखिए नीचे फोल्ड ऑन करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अब लेके जाएगा साइड में और इसको नीचे छोड़ देगा उसी तरीके से। वो बहुत डेंजर होता है यहाँ पे रहना, मतलब खतरे से खाली नहीं है, बट आपके लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अब जो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है ना दोस्तों, वो होता है एक स्पंज आयरन का, एक अलग से इन लोगों ने बना रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका जो फर्नेस होता है ना एसएमएस, उसका डाउन व्यू है पूरा। देख सकते हैं ये पूरा डाउन नीचे जाएगा, और इसके ऊपर में अभी मैं इसके पहले दिखाया था आपको कि जो माउंटिंग करते हैं इसके अंदर में, जो पतली चादर का जो ये लोग फार्मा बना के रखते हैं, उसको इसमें माउंटिंग किया जाता है। माउंटिंग करने के बाद इसमें जो है रॉ मटेरियल और आपका स्क्रैप वगैरह डाल के इसको 1600-1700 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद जो अगला प्रोसेस आपको मैं दिखाऊँगा, तो ये है आपका बेल्ट कन्वेयर, इसको बोलते हैं बेल्ट कन्वेयर। ये बेल्ट के थ्रू क्या होता है, स्पंज आयरन आपका फर्नेस में जाता है। ऊपर में देख सकते हैं एक हॉपर लगा हुआ है, हॉपर में क्या होता है आपका पाइप के थ्रू जो है उसमें स्पंज आयरन आता है। स्पंज आयरन के आने के बाद ये बेल्ट के थ्रू यहाँ पे नीचे गिरता है, गिरने के बाद वो फिर से एसएमएस में वहाँ से लेबर या मैग्नेट क्रेन से उसको एसएमएस में डाला जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत सारे स्क्रैप हैं, और स्पंज आयरन, पिग आयरन वगैरह बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, ये स्क्रैप है। और जो रोलिंग मिल में हेड और टेल जो मिस रोल वगैरह होता है उसको छोटा छोटा कटिंग करके और ये फर्नेस में भेज दिया जाता है। फर्नेस में भेजने के बाद एक देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉली लगा हुआ है, ये मैग्नेट क्रेन से क्या करता है, उठा के इस ट्रॉली में रखता है, और रखने के बाद ये ट्रॉली को लेवर्स आगे पुश कर देता है। पुश करने के बाद वहाँ पे स्टॉप करके और मैग्नेट के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे नीचे साइड में पूरा स्टोर कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ जो ट्रॉली है, ट्रॉली में कुछ इस तरीके से जो है रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉली को आगे जाने के लिए यहाँ पे लाइन बनाया गया है। ठीक है, दो लाइन है, और जो भी मटेरियल स्टॉक रहता है यहाँ पे वो मैग्नेट के थ्रू क्या करता है, भट्टी में गिराता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भट्टी में ये छोड़ रहा है नीचे। तो ये व्यू है आपका, देख सकते हैं आप पूरा। तो यहाँ पे ऐसे ही जो भी स्क्रैप वगैरह होता है उसको मेल्ट किया जाता है दोस्तों। ये देखिए मैग्नेट क्रेन के ही थ्रू क्या कर रहा है, पूरा कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करके फिर से क्या करेगा, वो छोड़ देगा फर्नेस में। यहाँ पे अब देख सकते हैं ये जो फर्नेस होता है ना वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, और इसको क्या कर रहा है, ये
लेडल में ड्रॉप करेगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये इनका कुछ प्रेशर रहता है और प्रेशर से ये क्या कर रहा है, फर्नेस जो एसएमएस में भट्टी है उसको ऊपर कर रहा है। ऊपर करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से ये ड्रॉप किया, तो लेडल आके लगा था, ठीक है। लेडल लगने के बाद यहाँ पे ये जो एसएमएस में जो भट्टी है उसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद ये पूरा जो है इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद जो अगला प्रोसेस रहता है दोस्तों, वो जाता है सीसीएम पे। अब ये जाएगा ना तो सीसीएम पे क्या करेंगे ये लोग, इसको कास्टिंग करेंगे, ठीक है। कास्टिंग करने के बाद जो आपका बिलेट बन के निकलेगा, वही बिलेट से आप टीएमटी भी बना सकते हैं, ठीक है, और वायर रॉड बना सकते हैं या एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बिलेट से बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अभी ये ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने के बाद ये जाएगा सीसीएम पे कॉस्टिंग के लिए, ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब होता है ढलैया, ढल सेप बनाना, ठीक है, ढालना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे से मैं दिखा रहा हूँ आपको और डेंजर है, बहुत दूर हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी ये लास्ट ही है, उसके बाद ये लेके जाएगा आपका सीसीएम पे। अब देखिए ये लेके जा रहा है सीसीएम पे, ठीक है। तो सीसीएम पे लेके जाने के बाद वहाँ पे इसको ये लोग सैंपल मारेंगे, ठीक है। सैंपल मारने के बाद लेके जाएंगे वो लोग लैब में। लैब में जाके चेक करेंगे सैंपल, ये जो लेडल तैयार हुआ है ये सही है कि नहीं है। तो देख सकते हैं ये जा रहा है अब सीसीएम की तरफ। यहाँ पे सीसीएम से ये नीचे देख सकते हैं एक पाइप लगा के ये लोग क्या करते हैं, इसको इसमें एयर मतलब इसमें जो भी स्लैग वगैरह रहता है वो ऊपर आ जाए, तो जो भी डिफेक्टिव मटेरियल रहता है दोस्तों वो ऊपर चला जाता है, जिससे आसानी से नीचे जो हमारा है प्योर मटेरियल बच जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं टेम्परेचर का सैंपल देख रहा है कि कितना टेम्परेचर पे ये जो हमारा लेडल है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा आपको कि ये कितने इसका टेम्परेचर क्या है। तो ये पहले में थोड़ा सा नहीं दिखा है, मैं दूसरे में दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1478 दोनों साइड दिखा रहा है, मतलब ये 1478 डिग्री सेल्सियस पे जो भी हमारा रॉ मटेरियल और केमिकल कंपोजिशन था उसको फर्नेस में मेल्ट करके और 1478 डिग्री सेल्सियस पे ये टोटल आपका मतलब 1600-1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया जाता है और 1478 इसका जो बन के अभी निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक सैंपल मारेगा, तो चलिए दिखाते हैं आपको सैंपल में कैसा क्या होता है। ये देख सकते हैं भाई लगाए हैं, इसको लॉलीपॉप बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेस्टिंग है इसको लॉलीपॉप टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक टीएमटी के थ्रू उसमें लगाया लॉलीपॉप को, लॉलीपॉप को लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से निकाला। अब ये दोस्तों जाएगा लैब में टेस्टिंग के लिए, जो भी हमारा तैयार हुआ है लेडल वो हमारा सही है कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सैंपल है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।